प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। पिछली वीडियो में हमने इंश्योरेंस का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने इंश्योरेंस का मीनिंग, इसके करेक्टरिस्टिक्स और हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये मीनिंग क्या है इनका। अब हमने इंश्योरेंस में दो पार्टीज़ पढ़ी थी। एक पार्टी थी इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कर रही थी, और दूसरी पार्टी वो थी जो इंश्योरेंस करवा रही थी अपना। तो ये दोनों पार्टीज़ हैं जो इन दोनों के ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो प्रिंसिपल हैं ये इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट है जो वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस पॉइंट को आप एक एग्जांपल से समझो। मान लो कोई एक फैमिली है और उसमें एक ऐसा पर्सन है जो अर्निंग कर रहा है, मतलब कि पूरी फैमिली उसी की अर्निंग से चल रही है, पूरी की पूरी फैमिली उसी के ऊपर डिपेंड है। बाय चांस अगर उस पर्सन को कुछ लॉस हो जाता है, जैसे कि डेथ या फिर कोई एक्सीडेंट, तो उसकी जो पूरी की पूरी फैमिली है वो सफ़र करेगी। तो इसका अब कंक्लूज़न क्या निकलता है कि जो पूरी फैमिली थी वो फाइनेंशियल लॉस होगा उस पर्सन के जाने से, और पूरी फैमिली फाइनेंशियली उसी के ऊपर डिपेंड थी। तो इसी को यहाँ पर इंटरेस्ट बोला जाएगा कि फैमिली का उस पर्सन में क्या था, इंटरेस्ट था। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिसका भी इंश्योरेंस किया जा रहा है उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल क्या है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, कि पॉलिसी लेते टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, बट नॉट नेसेसरी व्हेन क्लेम ओक्योर। जब पॉलिसी ली जाती है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ पर होना ज़रूरी है, बट जब क्लेम किया जाता है तब ज़रूरी नहीं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। तो ये तो था लाइफ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का ही पॉइंट है मरीन इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि जब पॉलिसी ली जाती है उस टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो ना हो ये डिपेंड नहीं करता, इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन जब पॉलिसी से रिलेटेड क्लेम किया जाता है तो उस टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। और जो अदर टाइप के इंश्योरेंस हैं उनमें दोनों टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, मतलब कि जब पॉलिसी ली जाती है तब भी, और जब क्लेम किया जाता है तब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब लाइफ इंश्योरेंस में जब पॉलिसी ली जाती है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, क्लेम के टाइम पर हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है। मरीन इंश्योरेंस में जब क्लेम किया जाता है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, जब पॉलिसी ली जाए ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और अदर टाइप के अगर कोई इंश्योरेंस आते हैं वहाँ पर दोनों टाइम पर पॉलिसी लेते टाइम भी और क्लेम करते टाइम भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिकवर कर सकती है इंश्योरेंस क्लेम किया गया है जो उसकी अमाउंट को, लेकिन वो क्यों करेगी वो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसी के मीनिंग को देखते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिकवर कर सकती है इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा जो अमाउंट क्लेम की गई थी, या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अमाउंट पे की गई है थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड पार्टी ने कोई लॉस या फिर डैमेज क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मीनिंग क्लियर हुआ इसका, थर्ड पार्टी से वो तभी क्लेम करेगी अगर थर्ड पार्टी की वजह से कोई लॉस या फिर कोई डैमेज क्रिएट हुआ है, तभी वो यहाँ पर थर्ड पार्टी से उसको रिसीव करेगी, अमाउंट को रिकवर करेगी। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दिया गया है नीचे, मिस्टर ए थे, उन्होंने अपने हाउस का इंश्योरेंस करवाया था 5 लाख का। जो हाउस था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि उसका जो नेबर था मिस्टर बी, उसकी नेगलिजेंस की वजह से। जो मिस्टर बी की नेगलिजेंस थी वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन मिस्टर बी की वजह से ए का हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है और ए के हाउस का इंश्योरेंस करवाया गया था 5 लाख का। हो सकता है मिस्टर बी की वजह से उस ए के घर में क्या लगी हो, आग लग गई हो, इस वजह से उसका घर डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अब यहाँ पर ए ने तो इंश्योरेंस करवा रखा था, तो ए ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम किया। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, तो मिस्टर ए था जो जिसका हाउस डिस्ट्रॉय हुआ था, बी की वजह से हुआ था डिस्ट्रॉय, तो इंश्योरेंस कंपनी ने ए को 5 लाख की अमाउंट थी जो वो प्रोवाइड कर दी। लेकिन इसी टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को पता लगा कि बी की वजह से उसका हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बी के अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल किया। तो यहाँ पर अगर इंश्योरेंस कंपनी बी के अगेंस्ट सूट फाइल करके 5 लाख का ही सूट फाइल करती है और 5 लाख की अमाउंट ही रिसीव कर लेती है, तो यहाँ पर वो कंपनी अपने पास रखेगी उस अमाउंट को, क्योंकि ए को तो मिल गई वो अमाउंट।
जो बी से रिसीव की गई अमाउंट है सूट फाइल करने के बाद से वो कंपनी अपने पास रखेगी। लेकिन इन केस अगर जो कंपनी है वो यहाँ पर जितनी अमाउंट का लॉस हुआ है उससे ज़्यादा के लिए सूट फाइल करती है, उस केस में क्या होता है, और अगर कंपनी केस जीत जाती है, मान लो यहाँ पर हमने देखा कि लॉस हुआ था 5 लाख, 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया गया था, 5 लाख ही मिस्टर ए को दे दिए, कंपनी के पास से 5 लाख गए, लेकिन कंपनी ने जो मिस्टर बी थे उनके अगेंस्ट सूट फाइल किया 6 लाख के लिए। 6 लाख के लिए क्यों किया, क्योंकि वो मार्केट प्राइस हो सकता है उनका जो हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है उसका, तो यहाँ पर 6 लाख के लिए सूट फाइल किया। तो इस केस में अगर कंपनी जीत जाती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी जो 5 लाख की अमाउंट है जो उसने बी को ए को प्रोवाइड किया है वो तो वो अपने पास रखेगी, और इसके साथ साथ कंपनी को केस को फाइल करने करते टाइम, सूट फाइल करते टाइम, केस में जीतने के लिए कंपनी को जो भी एक्सपेंसेस बियर करने पड़े, मान लो कि कोर्ट की फ़ीस हो गई, लॉयर के चार्जेस हो गए, ये जितने भी एक्सपेंसेस कंपनी ने बियर किए हैं वो भी कंपनी अपने पास रखेगी। जो 5 लाख की अमाउंट मिस्टर ए को दी वो भी रखेगी, और इसके साथ साथ जो भी एक्सपेंसेस बियर किए इस केस को जीतने के लिए वो भी कंपनी अपने पास रखेगी। लेकिन इसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो कंपनी को मिस्टर ए को देना होगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर सकती है थर्ड पार्टी से लॉस को अगर थर्ड पार्टी की वजह से कोई लॉस होता है। लेकिन इससे पहले कंपनी ने जिस पर्सन का इंश्योरेंस किया है उसको अगर लॉस होता है उसको अमाउंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसके बाद वो सूट फाइल करके अपनी अमाउंट को क्लेम कर सकती है। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट कभी भी इंश्योरर को प्रोवाइड नहीं करेगी, सॉरी इंश्योरर नहीं, इंश्योर्ड पर्सन को कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगी। मतलब जितने का उसको लॉस हुआ है सिर्फ उतने तक ही लिमिट है, कंपनी उतने तक ही प्रोवाइड करेगी जिस पर्सन का इंश्योरेंस किया है उसको, इससे ज़्यादा के लिए वो पे नहीं करेगी। इसके पीछे का जो पर्पज़ है वो क्या है, टू रिड्यूस मोर हैजर्ड्स, हैजर्ड्स को रिड्यूस करने के लिए, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो उस पार्टी को प्रॉफिट मेक करने से भी रोक सकती है। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जिस पर्सन का इंश्योरेंस किया गया है अगर उस पर्सन को लॉस हुआ है लेकिन अगर वो ज़्यादा अमाउंट क्लेम करता है एक्चुअल लॉस से ज़्यादा अमाउंट, तो इस केस में उस पर्सन को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो कंपनी इसी प्रॉफिट को रोकेगी होने से। मतलब जितना लॉस हुआ है उतनी ही अमाउंट प्रोवाइड करेगी, अगर कंपनी इससे ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड करती है तो इस केस में कंपनी को लॉस होगा। फिर कंपनी का जो मेन काम है वो क्या है, उसके रिस्क को प्रोटेक्ट करना, मतलब जितना लॉस हुआ है उतने तक की अमाउंट ही प्रोवाइड करना, इससे ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड नहीं करेगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिंसिपल का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेम फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन करके रखना जितनी लॉस या डैमेज होने से पहले थी। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो लिमिटेड है उतनी अमाउंट देने के लिए जितने का एक्चुअल लॉस हुआ है या फिर जितना उसने बोला है एश्योर्ड अमाउंट, इतनी, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगी कंपनी वो देने के लिए एग्री होगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देगी। लेकिन जो ये वाला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, ह्यूमन बीइंग की वैल्यू है, उसे हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, उसकी हम कोई मनी वैल्यू नहीं निकाल सकते कि कितना लॉस हुआ होगा, कितनी अमाउंट का लॉस है, ये सब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन और सभी इंश्योरेंस के ऊपर ये अप्लाई होगा। तो क्या था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यहाँ पर कंपनी एक्चुअल लॉस से ज़्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकती, और दूसरा जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है उसको इंश्योरेंस के थ्रू प्रॉफिट मेकिंग से भी रोक सकती है। फोर्थ जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या है, कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूट करना। कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, अब जरूरी नहीं कोई पर्सन अपना इंश्योरेंस सिर्फ एक ही कंपनी से करवाए, हो सकता है उसने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा हो। तो अब यहाँ पर इस केस में अगर किसी पर्सन ने अलग अलग कंपनियों से एक ही सेम चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है और वो यहाँ पर कंपनी से अमाउंट क्लेम करता है और अलग अलग कंपनियाँ सारी की सारी उसको अमाउंट अलग अलग से दे दें, तो इस केस में वो प्रॉफिट कमा लेगा अपना। लेकिन जो ऊपर वाला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग कंपनी उसको रोक सकती है प्रॉफिट मेकिंग से, तो इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई पर्सन मल्टीपल कंपनीज से सेम रिस्क के लिए इंश्योरेंस करवाता है और वो रिस्क हो जाता है, तो इस केस में कंट्रीब्यूशन के थ्रू सारी कंपनियां कंट्रीब्यूट करके ही उसे अमाउंट प्रोवाइड करेंगी। तो अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, अगर मल्टीपल से है तो
तो जो इंश्योर्ड पर्सन है वो क्लेम कर सकता है अपने लॉस के लिए, या तो जितनी भी कंपनियों ने उससे उसने इंश्योरेंस करवाया है उनसे प्रोपोर्शनेटली अमाउंट में, या फिर सिर्फ एक इंश्योरेंस से ही। ये जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो एक इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट लेता है या फिर सारी कंपनियों से प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेता है, लेकिन वो फुल अमाउंट सारी कंपनियों से रिसीव नहीं कर सकता अपने उस लॉस के लिए। अब इसके बाद जो पॉलिसी होल्डर है वो क्लेम फाइल कर देता है अगर एक कंपनी के लिए कि वो उसको अमाउंट पे करे, तो उस कंपनी का राइट है ये कि वो बाकी सभी कंपनी से प्रोपोर्शनेट अमाउंट को कलेक्ट कर सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने जो प्रीमियम की अमाउंट होगी वो तो जिस जिस कंपनी से उसने इंश्योरेंस करवाया है सभी को पे किया होगा। अगर वो क्लेम सिर्फ एक कंपनी से करता है और कंपनी को पता है कि इसने सेम टाइप का इंश्योरेंस सेम टाइप के लॉस के लिए अलग अलग कंपनियों में करवा रखा है, तो वो वाली कंपनी जिससे क्लेम किया गया है वो वाली कंपनी बाकी सभी कंपनियों से प्रोपोर्शनेट अमाउंट को कलेक्ट कर सकती है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब जितनी कंपनियों से इंश्योरेंस करवाया गया है सारी कंपनियाँ कंट्रीब्यूट करेंगी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो दोनों जो पार्टियां हैं वो सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स को बिल्कुल अच्छे से डिस्क्लोज कर देंगी एक दूसरे के सामने। जो ये प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ का, ये मोस्टली तीन लीगल जो डॉक्ट्राइंस हैं उनके थ्रू सपोर्टेड किया जाता है। वो कैसे हैं? जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या आएगा? ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एप्लीकेंट के द्वारा इंश्योरर को दी जाती है। एप्लीकेंट मींस वो पर्सन जो इंश्योरेंस करवाने जा रहा है, और इंश्योरर मींस वो कंपनी जो इंश्योरेंस करेगी। तो एप्लीकेशन देते हैं सबसे पहले जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई करता है इंश्योरर इंश्योरेंस के लिए, वो इंश्योरर को जो भी इंफॉर्मेशन देगा जैसे कि अपनी एज से रिलेटेड, वेट, हाइट, ऑक्यूपेशन, फैमिली, हेल्थ स्टेटस, स्मोकर या फिर नॉन स्मोकर, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल भी हो सकता है अगर उसके द्वारा दी गई रिप्रेजेंटेशन वो फॉल्स होगी। रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या निकल के आया यहाँ पर? वो स्टेटमेंट जो एक एप्लीकेंट देता है इंश्योरर को अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी फैमिली, ऑक्यूपेशन से, एज से रिलेटेड, और अगर ये फॉल्स हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। इसके बाद सेकंड था कंसीलमेंट। कंसीलमेंट क्या है? इंटेंशनल नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट टू इंश्योरर। अब यहाँ पर आप इनको वर्ड से ही समझोगे, नॉन डिस्क्लोजर। हमने क्या पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में कि सारी की सारे मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज कर देना जरूरी है। अगर कोई पर्सन नॉन डिस्क्लोजर करता है इंटेंशनली मटेरियल फैक्ट्स का इंश्योरर के आगे, मतलब कि इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को वो सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करता इंटेंशनली, तो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वारंटी का। वारंटी क्या होती है? इसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस करने वाले पर्सन के द्वारा, अगर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रू होती है तो उनके बीच में गुड फेथ कंडक्ट हो जाता है और वो कंपनी उसको गारंटी देती है उसके रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस गारंटी को रिसीव करने के लिए जो भी पर्सन इंश्योरेंस करवाता है उसे कंपनी को ये यकीन दिलाना होगा कि उसे ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी ट्रू है, तभी वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन सकता है और तभी कंपनी उसके रिस्क को प्रोटेक्ट करने की गारंटी देगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रोक्सीमा। जो ये वर्ड है कोजा प्रोक्सीमा, ये एक लेटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग होगा इंग्लिश में वो होगा नियरेस्ट कोज। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी लॉस के इमीडिएट जो भी कारण है उनको देखा जाएगा, नियरेस्ट जो कारण है, ज़्यादा दूर के कारणों पर नहीं जाया जाएगा, सबसे पहले उसके लॉस होने के जो करीबी कारण है उनको देखा जाएगा। और अगर किसी लॉस के होने के एक से ज़्यादा कारण हैं तो इस केस में भी उसके सबसे नियरेस्ट कोज को ही देखा जाएगा कि सबसे करीबी कारण क्या है इस लॉस के कंडक्ट होने का, तभी डिसाइड होगा कि कंपनी उसके क्लेम, जिस पर्सन ने भी क्लेम की है अमाउंट, कंपनी उसको अमाउंट प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पर केस दिया हुआ है, एक केस है हैमिल्टन का, हैमिल्टन वर्सेस पेंड्रोफ 1887 का। इसमें एक इंश्योरेंस किया गया था शिप का कि अगर शिप को पानी से कोई भी डैमेज होता है, शी वाटर है उससे कोई डैमेज होता है तो कंपनी उसके रिस्क को प्रोटेक्ट करेगी। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो शिप था उसको डैमेज हो गया क्योंकि जो शिप में रैट थे ना उन्होंने एक होल बना दिया था शिप के अंदर, और रैट के द्वारा बनाए गए होल से शिप में पानी भर गया और इस वजह से शिप को डैमेज हो गया। तो यहाँ पर कंपनी ने
क्या बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ये जो डैमेज हुआ है ये रैट की वजह से हुआ है, इसलिए वो इस जो लॉस है इसको इंडेमनीफाई वो कंपेंशेट नहीं करेगी। लेकिन इस केस में जो एक्चुअल लाइबिलिटी थी वो अराइज हुई थी इंश्योरेंस कंपनी की। यहाँ पर उसके नियरेस्ट जो रीज़न थे उन्हीं को देखा गया कि जो नियरेस्ट रीज़न है वो सी वाटर ही है, डैमेज तो सी वाटर की ही वजह से हुआ है, इसी वजह से जो कंपनी है वो लाइबल है उसे अमाउंट पे करने के लिए। इसके साथ एक और केस था यहाँ पर टेलर वर्सेस डेनवर का। इस केस में भी शिप का ही एग्जाम्पल है कि शिप का इंश्योरेंस करवाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो शिप था वो मीट को कैरी किए हुए था, लेकिन जो स्ट्रॉम था उसकी वजह से वो शिप डिले हो गया और इस वजह से सारा का सारा जो मीट था वो ख़राब हो गया और उसे फेंकना पड़ा। अब यहाँ पर जो पर्सन था जिसने इंश्योरेंस करवा रखा था शिप का, उसने यहाँ पर क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन उसके नियरेस्ट जो कॉज ढूंढे गए उनके अकॉर्डिंग जो शिप का जो मीट था उसका इंश्योरेंस हुआ था, तो यहाँ पर जो वो ख़राब हुआ वो किस वजह से हुआ था, डिले हुए होने की वजह से वो ख़राब हुआ था, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती उसको पे करने की। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इस प्रिंसिपल पल के अकॉर्डिंग जिस भी पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो अगर उसको लॉस अराइज होता है कोई भी, तो उसने वो सारे स्टेप लेने हैं अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। मतलब कि अगर किसी पर्सन ने किसी आइटम का किसी भी चीज़ का अगर इंश्योरेंस करवाया हुआ है और उस चीज़ के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, तो यहाँ पर वो पर्सन इरिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं कर सकता। ये सोचकर वो इरिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता कि उसने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, अगर लॉस हो रहा है तो होने दो, अमाउंट तो उसे कंपनी दे देगी, तो उसे सारे के सारे वो स्टेप फॉलो करने हैं जिससे उस लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, तभी कंपनी उसको अमाउंट पे करने के लिए लाइबल होगी। जैसे कि इसका एक एग्जांपल, अगर किसी पर्सन ने अपने हाउस का जो है इंश्योरेंस करवाया हुआ है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर फायर फैल जाती है हाउस में, तो उसने वो सारे स्टेप लेने हैं जैसे कि फायर ब्रिगेड को बुलाना, कॉलिंग नेबर्स हेल्प के लिए ताकि जो आग है उसको कम किया जा सके, तो ये सब स्टेप वो ले सकता है, तो ये उसे लेने हैं तभी कंपनी उसको अमाउंट प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो वो ये सब स्टेप लेगा वो अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर नहीं ले सकता, तो उसे जो भी पॉसिबल हो सकता है वो उसको मिनिमाइज करने के लिए उसे करने होंगे। तो ये था इसका प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी कि जो लॉस हुआ है उसको मिनिमाइज करने के लिए उसे स्टेप्स लेने होंगे। तो ये सारे प्रिंसिपल थे इंश्योरेंस से रिलेटेड।